जय श्री राधे दोस्तों। दोस्तों आज मेरे मन में ये ख्याल आ रहा है कि क्यों ना अपने गार्डन का मेकओवर किया जाए। मुझे मेकओवर के बारे में इतना खास तो पता नहीं है, बट आज मैं ना अपने प्लांट्स की सेटिंग करना चाहती हूँ, वो भी अपने हिसाब से। मतलब देखो ना, मेरे प्लांट काफी ज्यादा अस्त व्यस्त से लग रहे हैं। इन सभी को ना अच्छी सी पोजिशन पे सेट करूंगी। जैसे आप देख रहे होंगे, ये जो छोटे वाले पॉट्स हैं इनको आगे रखना चाहिए कि ये दिखे, क्योंकि ऐसे तो ये दिखते नहीं है ना। इस टाइप से मैं काफी सारी जो चीजें हैं उनको ठीक ढंग से रखूंगी, और जैसे कि कुछ पौधे मेरे खराब हो रहे हैं उनको यहाँ से निकाल दूंगी, क्योंकि ठीक तो इन्होंने होना नहीं है, तो इससे अच्छा इनको निकाल ही दूं। और अगर मन किया तो कुछ पॉट्स को मैं पेंट भी कर दूंगी, क्योंकि ऐसे ये ना बड़े ही बेरंगीन से लग रहे हैं। तो चलो देखते हैं क्या क्या होता है आज के मेरे इस गार्डन मेकओवर में। और ये मेरा फर्स्ट गार्डन मेकओवर है, तो प्लीज थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देना यार, और नेक्स्ट टाइम आइडिया दे देना कि किस टाइप का मेकओवर होता है और मैंने क्या बना दिया उसे। ओके, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ की मैंने एक साइड कंप्लीट कर दी है। मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से लुक दिया है। सीढ़ियों पर मैंने ये जो छोटे छोटे टब्स वाले हैं, जितने भी पॉट्स मेरे पास, मैंने ये सारे रख दिए हैं, और देखने में भी अच्छे लग रहे हैं ये। आप बताओ आपको कैसे लग रहे हैं ये। साथ में नीचे देखिए, यहाँ पे मैंने स्टैंड बनाया पहले, और ये जो ग्रेट वाला पॉट मैंने वहां पे रखा था, तो वहां से उठा के मैंने इसे यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है, और देखने में भी अच्छा लग रहा है। अब साथ साथ में अपना अपना आपसे भी रिव्यू देते रहे कि आपको ये कैसा लग रहा है। ऐसे ही हम इन पॉट्स को भी यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और अपने गार्डन के लुक को और ज्यादा इन्हेंस करेंगे।
देखिए हमारे टेरेस गार्डन मेकओवर का फाइनल लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। देखिए कितना सुंदर सा लग रहा है ये दृश्य देखने में। और मैंने जो बड़े बड़े वाले पॉट थे उनको पीछे शिफ्ट कर दिया है, तो उसकी वजह से ये वाला जो स्पेस है ना अभी ये काफी ज्यादा खाली खाली सा लग रहा है, मतलब देखने में अच्छा लग रहा है। देखो आप भी, और ये वाले जो आप पॉट्स देख रहे हैं ना ये मैंने अंदर रखे थे ना वहां पे, तो आज मैंने इनको बाहर शिफ्ट कर दिया है क्योंकि अभी आप देख सकते हो ये काफी ज्यादा हेल्दी हो चुके हैं। इनमें ग्रो होने की क्षमता मतलब सब कुछ आ चुकी है, इनकी जड़ें भी अच्छे से डेवलप हो चुकी है, इसीलिए मैंने सोचा कि अभी इन्हें बाहर शिफ्ट कर देना चाहिए। देखिए एरोहेड की पत्तियां भी कितनी शानदार सी लग रही है ये, साथ में ये एलोवेरा लगाई थी मैंने दो, तो ये भी काफी अच्छे से ग्रो हो रही है देखिए। और इनको पीछे शिफ्ट कर दिया है तो सुंदर लग रहे हैं अब देखने में ना। देखो बीच में भी स्पेस काफी ज्यादा क्रिएट हो गया है और ये कॉम्बिनेशन भी अच्छा लग रहा है। और जो यहाँ पर टब था, टब नहीं मतलब ये सीमेंट का पॉट, मैंने इसे यहाँ पे रख दिया और इसका साथ निभाने के लिए इसे भी यहाँ पे रख दिया है। तो ये वाला पोर्शन कुछ इस तरह से मैंने कंप्लीट कर दिया है, देख लीजिए। चिमनी थोड़ी खाली खाली सी लग रही थी इसलिए मैंने दो पॉट वहाँ पे रख दिए। बाकी अब आप सीढ़ियों का लुक देख लीजिए, मैंने यहाँ पे कॉमन पर्सलिन के प्लांट रख दिए हैं, साथ में जो अंदर थे ये वाला ये स्पाइडर प्लांट की प्रजाति है इसे भी मैंने बाहर रख दिया, और साथ में ये तो पहले से बाहर ही थे। और ये देखिए कितना सुंदर सा लग रहा है ना ये डिब्बा, रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं इसमें। तो ये वाली जगह ना खाली लग रही है तो यहाँ पर भी मैं प्लांट को रख देती हूँ। तो ना इसकी जगह यही वाला प्लांट था तो मैं इसे निकाल के रख देती हूँ। ये देखिए कितना सुंदर सा लग रहा है ये भी। तो ये देखिए अब सीढ़ियों को भी मैंने अच्छे से डेकोरेट कर दिया है, यहाँ पर भी प्लांट को मैंने लगा दिया। और उससे आगे देखिए ये मैंने जो मेरे पास छोटे छोटे टब्स वाले जितने भी प्लांट थे यहाँ पे रख दिए कुछ इस तरह से। इसमें मैंने मैरीगोल्ड लगाया, साथ में ये डेलिया लगाया है, और साथ में ये वाला प्लांट लगाया है। और आगे बढ़िए तो ये है हमारा पोर्चुला का प्लांट जिसे मैंने शेप के माध्यम से लगाया, स्पाइडर प्लांट लगाया, इंच प्लांट लगाया और बेबी सन रोज़, और दूसरी साइड भी वही है। उससे आगे मैंने ये वाला प्लांट रख दिया है, इसमें मैंने एलोवेरा भी लगाई है, बेबी सन रोज़ भी लगाया। और देखिए पत्तियाँ देखिए कितनी हेल्दी सी है ना, कितना सुंदर सा लग रहा है ये। साथ में कोलियस लगाया है। और जो आप सभी कह रहे थे ना रेन लिली प्लांट येलो वाला ये, तो उसके बीज निकले थे ना, तो यहाँ पे मैंने बीज भी लगा दिए और साथ में उसकी कटिंग कर दी थी। इतना अच्छा मतलब ऊपर से सूख गया था ना, अगर ये लगेगा तब भी बेस्ट, नहीं लगेगा तो बीज भी लगा दिए मैंने। उससे आगे ये मैंने मिर्च वाला पौधा रख दिया है यहाँ पे, और साथ में ये मैंने इंच प्लांट रख दिए है यहाँ पे। उससे नीचे देखोगे आप तो, उससे नीचे देखेंगे तो यहाँ पर मैंने रख दिया अपना मिनी गार्डन जो कि अब कुछ इस तरह से लग रहा है। मैंने इसे बिल्कुल ना खाली खाली सा कर दिया है, कीड़े वगैरह चढ़ जाते हैं तो मिलते भी नहीं है वो, और पूरे ही गार्डन को वो खा जाते हैं, मतलब पूरे पौधों को खा जाते हैं, तो इसीलिए मैंने इनको अब इस तरह से कर दिया है। और ये वाली बेल तो मैंने यहाँ पे रखी हुई थी ना, तो इसीलिए मैंने इस फट्टे को ना पीछे शिफ्ट कर दिया, ये पीछे का स्पेस काफ़ी ज़्यादा बच रहा था तो इसीलिए मैंने पीछे शिफ्ट कर दिया। और फिर यहाँ पे मैंने ये बेबी सन रोज वाली बाल्टी रख दी है, देखिए अच्छी लग रही है ना। तो ये मटके को रखने के लिए कहीं जगह नहीं मिल रही थी इसलिए मैंने इसे भी इनके साथ जोड़ दिया, और साथ में ये एंट्री गेट मतलब यहाँ से शुरुआत होती है मतलब आगे जाने की। मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छे से बता दी हैं, और ऊपर वाला पोर्शन तो आपको पता ही है टायर वाला। तो अब आप सभी बताइए कि आपको ये मेकओवर कैसा लगा। मैं सच्ची कहूँ मैंने मेकओवर शाम को किया था ना, तो मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ से हटूँ, मतलब मेरे को ना काफ़ी सुंदर सा लग रहा था। वो देखो बटरफ्लाई भी आई है हमारे गार्डन में, ये देखो मिली येलो वाली है, रुको ये देखो ये कितनी क्यूट सी है। मतलब नेचर की चीज़ों को भी अब मेरा गार्डन सही लगने लग पड़ा है, इसीलिए ये भी डेली डेली अब आते हैं मेरे यहाँ पे। अब आप सब बताइए कि आप सबको ये लुक कैसा लगा, कि पहले वाला लुक अच्छा था कि ये वाला लुक अब अच्छा लग रहा है। वैसे तो अभी काफ़ी सारी चीज़ें करना बाकी है, जैसे कि मैंने आपको कहा भी था कि मैं पेंट वगैरह भी करूँगी, तो पेंट वाला पोर्शन रह गया है क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो आज मैं पेंट वगैरह करूँगी। जैसे ये खाली है मतलब ये बेकार सी लग रही है, घड़ा भी मैंने इस पर सीमेंट लगाया था, साथ में ये टीवी वाला पॉट, ऐसे कई सारे पॉट्स हैं जिन पर पेंट करना बाकी है तो उनपे मैं पेंट करूंगी। अगर आपको ये मेकओवर अच्छा लग रहा हो तभी मैं दूसरा मतलब तभी मैं आगे मेकओवर करूंगी, अदरवाइज इस प्रथा को हम यहीं पे समाप्त कर देंगे। तो ज्यादा वीडियो को और ज्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। प्लीज आज कमेंट कर दीजिएगा क्योंकि काफी ज्यादा मेहनत लगी है इस काम में। वीडियो चाहे 10 मिनट की बनी हो बट पूरे 1-2 घंटे की लगातार मेहनत के बाद ये सारा काम हुआ था, तो प्लीज सपोर्ट कर दीजिएगा। चलिए फिर जय श्री राधे जय श्री राम, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।